नमस्कार। नींद नहीं आए तो क्या करें? आजकल नींद न आने की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये जो इंसोमनिया है, ये जो अनिद्रा है, इसकी समस्या जीवन में लगातार लोगों के जीवन में बढ़ती चली जा रही है। आज हम प्राकृतिक तरीके से ऐसा उपचार जो आपकी अनिद्रा को प्राकृतिक तरीके से दूर करने का काम करेगा। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप कैसे ऐसे उपाय जो बहुत आसानी से घर में किए जा सकते हैं उनका अभ्यास करें कि आपको अच्छी नींद आना चालू हो जाए, आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़े और आपको अनिद्रा की वजह से जो बाकी, जैसे आज रात को नींद नहीं आई तो कल का पूरा दिन खराब होगा क्योंकि कल आपको पूरे दिन आलस आएगा, और नींद नहीं आई है तो निश्चित ही धीरे धीरे करके नींद ना आने का तनाव बढ़ना चालू हो जाएगा और उस तनाव की वजह से कल फिर से नींद नहीं आएगी। तो एक साइकिल जनरेट हो जाता है कि नींद नहीं आई, इसका स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आना, फिर नींद नहीं आई, इसका स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आना। तो ये सर्कल बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा। इस साइकिल को कैसे ब्रेक किया जाए, कौन से वो उपचार हैं जो आप घर में रहते हुए फॉलो करेंगे और नींद नहीं आने की समस्या से पूरे तरीके से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहला उपचार जो आप अपने घर में नियमित रूप से कर सकते हैं वो है हल्का गुनगुना पानी। आप एक बाल्टी में भरें और उस पानी में थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल दें। सौम्य पाद स्नान बोला जाता है कि हल्का गुनगुना पानी उसमें आप पैर डाल के बैठें। क्या क्या जरूरी है, कैसे इसका अभ्यास कर सकते हैं? सबसे पहले एक बाल्टी चाहिए आपको, घर में सबके होती है। गुनगुना पानी चाहिए, गुनगुना मतलब बिल्कुल गुनगुना, जिसमें पैर डालने से 10 मिनट भी आप पैर डाल के बैठो तो आपके शरीर में पसीना नहीं आए, इतना गुनगुना पानी आपको चाहिए होता है। तो एक बाल्टी गुनगुना पानी और थोड़ा सा चाहिए आपको एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का मतलब होता है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। अगर आप, अब आपने एक बाल्टी ली, उस बाल्टी में आपने ऐसे करके पानी भर लिया, अब आप एक, ये जो आपका पलंग पड़ा हुआ है इस तरीके से यहां पर, अब आप बैठे और आपने अपने पैरों को इस तरीके से इसमें डाल लिया। इस पानी में आपके पैर कितने जाने चाहिए, आपकी पिंडली तक का हिस्सा इस पानी में डूब जाना चाहिए। ऐसे करके ये आपका दोनों पैर इसमें डाल करके आप बैठे हुए हैं। अब आप देखें कि इसमें एप्सम सॉल्ट कितना डालेंगे, तो लगभग आधा बाल्टी पानी भरना है और उस आधा बाल्टी में आप एक जो चम्मच, टीस्पून जो होती है, उतना आप एप्सम सॉल्ट डाल करके गुनगुने पानी में पैरों को 15 मिनट के आसपास इस पानी में पैरों को रखना है। 15 मिनट के बाद पैरों को पानी में से निकालेंगे और पैरों को पानी में से निकाल करके अच्छे तरीके से आप दोनों पैरों को सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। अब सूखे कपड़े से पोंछने के बाद एक इलाज ये आपका पूरा हो गया। इससे फायदा कैसे होगा, नींद कैसे आएगी इससे, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि आपने कहा कि गुनगुने पानी में पैर डालो लेकिन इससे कैसे नींद आएगी, तो आप ये समझ लीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से इसका अभ्यास करें। जब आप बैठे हैं तो आप कैसे बैठे हैं, ये आपके पैर हैं, ये आपके थाइज हो गई और ये आपकी कमर हो गई और ऐसे करके ये आपकी बॉडी हो गई, ये गर्दन हुई और ये सिर हो गया। ऐसे करके आप मान लो बैठे हुए हैं। अब आप बैठे हैं, यहां सिर है और ये पैर है। गुनगुने पानी में जब आप पैर डालते हो तो खून की नलियां जो बिल्कुल ऐसी सक्रिय होती हैं, ये चौड़ी होना चालू हो जाती हैं क्योंकि वैसोडायलेटेशन होता है जैसे ही गुनगुने पानी का कांटेक्ट होगा। तो गुनगुने पानी में पैर डाले, पैरों पर खून की नलियां फैल गई, पैरों पर खून की नलियां फैलेंगी तो यहां से खून ऐसे करके पैरों में आना चालू होगा और अगर यहां से जो कंजेशन हटेगा ब्रेन से, तो ब्रेन से कंजेशन हटते ही आपको एकदम से रिलैक्सेशन महसूस होगा, आपका दिमाग हल्का होना चालू हो जाएगा और आपको स्लीप इंड्यूस होना चालू हो जाएगी, नींद आना चालू हो जाएगी। अब जैसे ही आप इस प्रोसेस को करके 15 मिनट के बाद पैर निकालो, पैरों को पोंछो, और पैर पोंछने के बाद अब दूसरा इलाज करना है। दूसरा इलाज क्या है, वो है नस्य। नस्य का मतलब नाक में गाय का घी। तो नाक में गाय का घी जो है
ये चार चार बूंद आपको दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालना है। आप जैसे ही पैर निकाले, पैर पहुंचे, सीधे लेट गए, सीधे लेट के गर्दन को थोड़ा डॉर्सिफ्लेक्स किया इस तरीके से, फिर आपने दो दो ड्रॉप गाय का घी डाला, नाक को अच्छे तरीके से इस तरीके से मसला, फिर एक एक दो दो ड्रॉप और डाला, नाक को अच्छे तरीके से मसला, ताकि नाक की पूरे तरफ से, चारों तरफ से दीवारों पर घी अप्लाई हो जाए और आपकी नाक में लुब्रिकेशन पूरा हो जाए। जैसे ही लुब्रिकेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको सीधे लेट जाना है। सीधे लेटने के बाद अब ये नशे हो गया, अब तीसरा जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है योग निद्रा। अब या तो योग निद्रा कर ली जाए, और या फिर अगर योग निद्रा नहीं करना चाह रहे हैं तो शवासन कर लिया जाए। अब योग निद्रा और शवासन में जाने के पूर्व आपको क्या करना है, आप चाहे योग निद्रा कर रहे हैं तो योग निद्रा बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा एक प्रैक्टिकल वीडियो है, प्रैक्टिस का वीडियो है, उसको आप चला करके थोड़ी दूर रख दीजिए। वैसे जब आप सोने के लिए तैयार हो तो आपके आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको योग निद्रा करनी है तो आप 4-5-7 दिन के लिए थोड़ा सा जो बोला जाए उस पर फोकस करके बाद में फिर आप प्रैक्टिस अपने आप करना चालू कर देना, फिर आपको मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप शवासन का अभ्यास करना चाहें तो शवासन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा का आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, उसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, 2-3-4-5 दिन का प्रैक्टिस कर लें चला करके, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप शवासन आसानी से करना चालू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि हमको योग निद्रा, शवासन या फिर मोबाइल आसपास नहीं चाहिए, तो फिर आप नशे करने के बाद सीधे लेट जाएं। अब सीधे लेट जाएं जहां सोना है, मैंने इंसोमनिया के लिए कई वीडियोस पहले भी बना रखे हैं, उसमें हमने इंसोमनिया के कॉजेज और इंसोमनिया में क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है, इंसोमनिया के कारण क्या होते हैं, नींद नहीं आने का एक कारण तो होता है कि कहां सो रहे हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म पर सोना चाहें तो जो ट्रेन की भड़बड़ है उसके चक्कर में आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप सोना चाहें कहीं तेज लाइट जल रही है वहां आपको लाइट ज्यादा होने की वजह से नींद नहीं आएगी। कहीं आप सोना चाह रहे हैं वहां बदबू ज्यादा है तो बदबू ज्यादा होने की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। कहीं आप सोना चाह रहे हैं जहां शोरगुल बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से नींद नहीं आएगी। तो ये जो प्लेस है, प्लेस कैसा चुनना है सोने के लिए, एक तो वो ध्यान में रखना पड़ता है, दूसरा होता है कि आपका शरीर कैसा होना चाहिए या फिर पलंग जो है वो कैसा होना चाहिए। अगर आप कहीं सो रहे हैं गद्दा आपको चुभ रहा है, या आप सो रहे हैं चादर पर धूल पड़ी हुई है, तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ऐसी जगह पे उनको कतई नींद नहीं आती। आप सो रहे हैं रूम में छिपकली है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, और जहां आपको सोना है वो जगह अच्छी हो, साफ सुथरी हो, बहुत खुशबू नहीं आ रही हो तो कम से कम बदबू भी नहीं आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप नशे जब करवा लें, नशे के बाद आप दोनों हाथों को थोड़ा सा दूर दूर कर लिया शरीर से, दोनों पैरों को थोड़ा सा दूर दूर कर लिया, गर्दन किसी भी सुविधाजनक स्थिति में रख ली, आंखें हल्के से बंद कर ली, और फिर डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है, दीर्घ श्वसन का अभ्यास करना है, लंबी गहरी श्वास भरना और भरी गई श्वास को धीरे धीरे करके पूरा छोड़ने पर फोकस करना है, और कोशिश करना है कि पूरा का पूरा ध्यान आपका श्वसन की दर पर हो, और काउंटिंग भी आपको फॉलो करनी है। आप काउंट भी करेंगे, लेकिन काउंट कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 5 नहीं करेंगे, आप काउंट करेंगे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, इस तरीके से उल्टी गिनती गिनेंगे। और कैसे गिनेंगे, एक सांस पर एक बार लंबी गहरी सांस भरी, धीरे धीरे छोड़ी 100, फिर सांस भरी धीरे धीरे छोड़ी 99, फिर सांस भरी धीरे धीरे छोड़ी 98, इस तरीके से आप उल्टी गिनती गिनेंगे, और आप देखेंगे कि आप 100 बार लंबी गहरी सांस भरने छोड़ने के क्रम में आप गिनती 100 से 1 तक पूरी नहीं कर पाएंगे, अगर आपका दिमाग गिनती से हट नहीं रहा है तो। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि साहब आपने बताया था हम तो 3-4 बार 100 से लेके 1 तक कर देते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि भाई 100 से लेके 1 तक लगातार गिनती गिन रहे हो, नहीं नहीं साहब बीच में थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जा रहा है। तो वो अगर दिमाग इधर उधर हो जा रहा है तो दिमाग को इधर उधर बिना किए आपको 100 से 1 तक गिनती पूरी करनी है, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपको नींद आना चालू हो जाएगी कारण कैसा भी हो। तो ये 3 चीजें हो गई, सौम्यपाद स्नान, नाक में घी, अब फिर योग निद्रा या शवासन, या फिर आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास सीधे लेट करके कर लीजिए, ये विशेष ध्यान में रखना है। नींद अच्छी आए इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सोने और खाने के बीच में 3 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए। शाम का खाना आपका भारी नहीं होना चाहिए, शाम का खाना आप जल्दी में नहीं खाओगे, शाम के खाने को आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे,
और शाम के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए टहल टूल करके आप अपने पेट को नरम रख लो। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन पेट आपका तना हुआ है, गैस भरी हुई है, पेट हिल रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पेट में मरोड़ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है या कहीं कोई और जगह दर्द हो रहा है, आपको नींद नहीं आएगी। तो खाने का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप अच्छे तरीके से फॉलोअप कर लेंगे डेफिनेटली आपकी ये नींद नहीं आने की समस्या पूरे तरीके से खत्म होना चालू हो जाएगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।